देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना चुनाव से नहीं बल्कि मानवीयता से जुड़ी दिखती है, दुखदायी घटना है और इस मामले में कानून अपना काम करेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बढ़ती सक्रियता पर उन्होंने कहा है कि राजनीति ग्लैमर से नहीं चलती है बल्कि मुद्दों से चलती है। उन्होंने कहा है कि आखिर क्यों लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद भी नेता उस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस को इस बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष का एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, उन्होंने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश में जारी आंदोलन के मुद्दे पर भी बात की है और कहा है कि किसानों को लेकर कुछ लोग भ्रमित हैं और भाजपा उनका भ्रम दूर करेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग राजनीतिक कारणों से इस आंदोलन में उतरे हुए हैं वे भाजपा की जमीन नहीं खिसका सकते हैं। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बारे में उन्होंने कहा है कि इस घटना को चुनाव से नहीं बल्कि मानवीयता से देखना चाहिए और दुखदायी घटना है। इस मामले में कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। SIT की टीम गठित की गई है, मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि SIT की टीम का गठन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया है और उसमें पेशेवर लोग हैं। दोषियों को सजा मिलेगी, कानून से बड़ा कोई नहीं है और कोई नहीं बचेगा, इसका मैं आश्वासन देता हूँ। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।